प्रतीक सहजपाल ने मांगी अपने फैंस से माफी। आखिरकार प्रतीक सहजपाल अपने फैंस को क्या कुछ कहना चाहते हैं, वह क्या है ये पूरी अपडेट हम बताएंगे आपको इस वीडियो में। हेलो, आपको बता दूं कि प्रतीक सहजपाल बैक टू बैक बिग बॉस सीजन 15 भी हार गए। और अब बात करें खतरों के खिलाड़ी सीजन 12, तो खतरों के खिलाड़ी सीजन 12 में भी सेकेंड चांस मिलने के बाद भी लगातार प्रतीक सहजपाल स्टंट्स को अबॉर्ट करते आए नजर। वैसे ही एलिमिनेशन टास्क दिया गया था प्रतीक सहजपाल को, जहां प्रतीक ने एलिमिनेशन टास्क भी अबॉर्ट कर दिया, जिसके बाद कि प्रतीक सहजपाल शो से एविक्ट हो गए और उन्होंने खुद ही एक्सेप्ट किया कि वो शो से बाहर जाना चाहते हैं। ऐसे में आपको बता दूं कि सोशल मीडिया पर जब फैंस ने प्रतीक को ट्रोल किया, और कई फैंस ऐसे भी थे जो कि प्रतीक के सपोर्ट में भी नजर आए, चाहे वो हारे या जीते प्रतीक के साथ हैं वो, ऐसे में प्रतीक ने फैंस से मांगी है माफ़ी। साथ ही साथ उन्हें कहा है थैंक्स, इवन कि फैंस को ये कहा है कि जैसे एक माँ अपने बच्चे को प्रोटेक्शन देती है, वैसे ही मेरे फैंस हैं जो कि मुझे हमेशा ही प्रोटेक्ट करते हैं और मेरे साथ अच्छी बिहेवियर रखते हैं। आपको बता दूं कि प्रतीक सहजपाल ने इसके साथ साथ अपने फैंस को ये भी हिंट दिया है कि बहुत सारे अच्छे प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं सामने नज़र, ताकि फैंस भी प्रतीक सहजपाल के प्रोजेक्ट्स के लिए हैं बेहद ज़्यादा एक्साइटेड। वेल, आखिरकार प्रतीक सहजपाल के इस माफीनामे को लेकर कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिए। साथ ही साथ एंटरटेनमेंट दुनिया की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।